हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज इवनिंग की शुरुआत हो रही है चाय और समोसे के साथ। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग गए थे स्वीट्स लेने के लिए, फ्लावर्स वगैरह लेके आए और कुछ ऐसा सामान लेके आए थे। तो स्वीट्स की शॉप से समोसे मिले तो मैंने सोचा कि आज शाम को यही खाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स पे अगर खाएंगे नहीं तो फिर कब खाएंगे। तो इसीलिए समोसे और चाय। तो कल इवनिंग में गए थे हम लोग धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने बस छोटी छोटी सी क्लिप शूट की और मैंने व्लॉग शूट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो डेकोरेशन वगैरह में थोड़ा सा बिजी थी। तो मैंने सोचा कि आज ही आपको सब चीजें दिखाऊंगी कि मैंने धनतेरस पे क्या क्या लिया है और कौन कौन सी चीजें ली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी गोल्ड शॉपिंग। तो मैंने ना अपने ये इयररिंग्स लिए हैं, एक्चुअली मुझे चेंज करने थे। तो ये हम लोग गए थे तो वो मैं लेके आई थी, वाले ना छोटे वाले, क्योंकि जब से मैंने ये कान पियर्स कराए थे ना तब से मैंने चेंज ही नहीं किए थे, लेकिन अभी इनका चेंज करने का टाइम आ गया था, वो लेके आई थी। और उसके बाद हम लोग गए थे, मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे वो शॉपिंग किया। तो वहाँ पे ना शॉप पे मुझे आसन दिखाई दिए थे पूजा के, तो ये वाले दो आसन लिए थे, इनके कलर बहुत अच्छे लगे, ये वाले आसन लिए। और मैंने ये वाली थाली ली है, दो अच्छी लगती है ना वाली थाली। इसमें मेरे पास छोटे वाली है जो आप लोग देखते हैं, मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट में यूज करती हूँ ना, डोसा वगैरह बनता है, तो उसमें मुझे एक बड़ा चाहिए था वो इंडियन खाना जैसे सर्व करने के लिए ना, तो ये मैंने थाली ली है। और मैंने क्या लिया है, और मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें ना नॉन स्टिक कढ़ाई के बिना होता नहीं है। तो जैसे मैंने हांडवो बनाया था, तो हांडवो ना वो नॉन स्टिक कढ़ाई में बनता है, वरना वो ना सिकता भी नहीं है और स्टिक हो जाता है। तो उप्स, इसका गत्ता इतना ज्यादा शार्प था कि मेरा हाथ कट गया। ये देखो गत्ते से मेरा हाथ कट गया सौरभ। ये देखो ये वाला इतना शार्प था इसका गत्ता, ये देखो। और बोलो तो नॉन स्टिक कढ़ाई का मुझे जरा सा इधर सौरभ ना, वो मैंने आपको बताया था ना जो भाभी ने वो दी थी अनवित की, ये वाली रैक दिया था टॉय वाला, तो उसमें उसके ब्लॉक्स वगैरह रख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अरेंज करते हैं उसको। अनवित बी केयरफुल, अनवित जी केयरफुल। एनीवेज तो ये देखो ब्लड आ रहा है, ये ना चोट ऐसी, देखो अनवित। हैंड वॉश करके आई हूँ और अभी खाना भी बनाना है, मुझे इरिटेट करेगा उसमें। तो मैंने ये वाली बेसिकली नॉन स्टिक कढ़ाई ली है एक, और उसके बाद मैंने ली है मिल्टन की 3 बॉटल्स, जिसमें से सौरभ ने अपनी एक ओपन कर ली, उनको वेट नहीं हुआ। तो इसका साइज एकदम मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ये ली है हमने मिल्टन की बॉटल्स। और कुछ लाइट्स मैंने ली हैं मंदिर डेकोरेट करने के लिए, ये वाले बिग बाउल्स लिए हैं, मुझे इनका जरूरत था, ये वाले बाउल्स लिए हैं मैंने। और ये वाली ब्रेकफास्ट में होता है ना वो पोहा वगैरह खाने के लिए, तो अनवित के लिए भी ये सब, तो इसलिए ये वाली प्लेट्स लिए हैं। एक मैंने ऐसे बास्केट लिया है, और आई थिंक मेरा शॉपिंग यही है। एक मैंने ना जार ऑर्डर किया है ऑयल वाला, वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इधर ही कहीं रख दिया है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। एक मैंने वो लिया है, तो बेसिकली
ये है मेरी धनतेरस की शॉपिंग, बाकी स्वीट्स और नाश्ता काफी सारा लेके आए हैं। वो है जो दिवाली पे होता है ना बेसिकली, नाश्ता पटाखे, पटाखे रह गए हैं अनमित के। फ्लावर्स आज लेके आए हैं, आज लोग लेके आएंगे, शाम को जाएंगे ना अभी, तब लेके आएंगे पटाखा। तो बस पटाखे रह गए हैं, बाकी सब कुछ हो गया है, सब कंप्लीट मतलब हो गया है। डेकोरेशन सब आपने देखा ही होगा, लिविंग रूम टूर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और काफी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। थैंक यू सो मच लिविंग रूम का मेकओवर को लाइक करने के लिए। तो जल्दी में जितना कर सकती थी वो मतलब मैंने किया। तो ये था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना आज मैं जो मेरा शॉपिंग है वो शेयर करती हूँ। यही है मेरा मतलब बेसिकली किचन का, धनतेरस का शॉपिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ रह गया, बाकी के कलर्स और दिया वगैरह ये सब चीजें हैं, ये लिया है और यही है आई थिंक, और कुछ भी रहेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो ये मैस है ना वो सब थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और उसके बाद मंदिर भी थोड़ा डेकोरेट करना है और फिर कुकिंग भी करनी है। तो जैसे आगे का रहेगा तो आई शेयर करूंगी। ये वाली जो झालर है ना वो इतनी ज्यादा बेशरम है, इतनी ज्यादा बेशरम है मैं आपको बता नहीं सकती। परसों से हम चेयर लेके ना यहीं पे खड़े हैं और इस पे ना हम कितनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेप भी यूज कर चुके हैं, लेकिन ये ना टिक नहीं रही है। इधर की साइड वाली और ये वाली ना जमी हुई है, तो कोई कह नहीं सकता कि मतलब ये सेम टेप है। पौधों में पानी मैंने डाल दिया था सुबह क्योंकि सूखे हो रहे थे ना। वापस डाल रहे हो, बाहर वालों में डाल दो, इधर वालों में मैंने डाल दिया था तो वही वापस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ना अच्छी लगती है यहाँ पे लगी हुई ना, और फेस्टिव लुक तो आता ही है इन सब चीजों से। सो मैंने भी अपनी बोतल का शुभारंभ कर लिया है और मैंने भी निकाल ली ये वाली, तो बस इसको भी क्लीन करना है और फिर वॉश करके रखूंगी। सो आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ नरगिसी कोफ्ता, तो उसी के लिए मैंने तैयारी की है। मैंने ये जो काजू है और मगज है इनको सोख कर दिया है। बस अभी मैंने यहाँ पे ना पोटैटोज बॉईल किए थे, उनको मैं पील ऑफ करूँगी और जो आगे का प्रोसेस रहेगा ना वो मैं आपको फिर बताती हूँ। बहुत टाइम से ना मन कर रहा था एक अच्छा सा मतलब वो कोफ्ता खाने का ना, तो मैंने सोचा कि आज बेस्ट मौका है बना लेती, क्योंकि कल ना फिर बड़ी दिवाली है तो हमारे यहाँ पे फिर वो अनियन वाला खाना नहीं बनेगा, तो इसीलिए सोचा कि आज बना लेती हूँ। कच्चा नखून जो होता है ना मैंने वो कट कर दिया था क्योंकि इरिटेट कर रहा था, तो मुझसे ना अभी इससे ना कुछ काम नहीं हो रहा। तो जिस दिन हम मिसल खाने के लिए गए थे ना उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, मतलब मैं किसी चीज़ में हाथ डाल ही नहीं पा रही थी, लेकिन अभी भी ना वो इतना ज़्यादा कट है कि मैं आलू छील ही नहीं पाई। तो फिर मैं मम्मी को बोला कि आलू छील दो, तो बाकी का मैं और तैयारी कर लेती हूँ, जो चॉपिंग का रहेगा ना वो सब मैं कर लेती हूँ। इसमें पानी है ना मम्मी, इसमें रख लो, इस वाले में पनीर वाले में पानी है थोड़ा, इस वाले में रख दो, सूखी है वाली मैं यूज़ कर दूँगी मैं। ये है मेरी प्रिपरेशंस नरगिसी कोफ्ता के लिए। यहाँ पे मैंने जो पोटैटोज थे उनको मैंने कस लिया है, और यहाँ पे यह है पनीर, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये है मेरे काजू जो ज़्यादा ही पाउडरी फॉर्म में हो गए, और यहाँ पे है ये किशमिश, इसको मैं फिलिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें मैंने मगज और ये काजू दोनों सोख करके रख दिया है। ये है मावा, और यहाँ पे हैं ये मेरे अनियन और टोमेटोस। तो बस मैं अभी इन सब चीज़ों को असेंबल करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बॉयल पोटैटोज में मैं मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर, और इसमें मैं ऐड करूंगी पनीर, सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बहुत थोड़ी सी रेड चिली। ये हमारी टॉप लेयर जो रहेगी ना कोफ्ता की, उसकी मतलब तैयारी है।
और इसमें मैं पनीर में, ये पनीर फिलिंग के लिए रहेगा, तो इसमें मैंने जो काजू और किशमिश तैयार किए थे वो ऐड करूँगी, चाट मसाला, नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पाव भाजी मसाला ऐड कर दीजिए इसमें, और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये मैं मिक्स करूँगी। और जो टॉप लेयर है ना, इसको ये सब चीज़ें डाल के ना बहुत अच्छे से इसको मैं मलूंगी। इसको एक डो फॉर्म में तैयार करना है, क्योंकि इसको हम जितना अच्छे से मलेंगे ना, इसमें बाइंडिंग उतना, मतलब जो बाइंडिंग वाला फॉर्म है ना, वो उतना अच्छे से डेवलप होगा, और हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो फटेंगे नहीं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत अच्छे से इसको आटे के फॉर्म में लेके आना है। तो बस वैसे ही तैयार करना है। फिर मैं एक छोटा सा बोल लूँगी, और उसमें मैं बहुत पतला उसको हाथ की हेल्प से ही मतलब कटोरी टाइप्स बनाऊंगी, और उसके अंदर जो मेरी फिलिंग है वो मैं फिल करूंगी, और उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा दबा के मैं गोला बनाऊंगी। हालांकि बहुत बार ना फटता भी है, मतलब बनाते वक्त, तो उसको आपका एहतियात रखना पड़ेगा। आपको पहले अपना फिंगर की हेल्प से उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, और फिर उसको हाथ से ही रोल रोल करना पड़ेगा, तो ऐसे मतलब करना पड़ेगा। और इनको ना आपको बहुत मतलब आराम से करना पड़ेगा, पेशेंसफुली, क्योंकि अगर आपका एक कोफ्ता भी कढ़ाई में फट गया ना, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बस कोफ्ते को जो मतलब रोल रोल करने वाला है ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। सो यहाँ पे छोटे और बड़े सभी साइज़ के जो कोफ्ते हैं ना, वो तैयार हो गए हैं, मम्मी और बच्चे। तो इनको मतलब देखिए कितना अच्छे से मैंने रोल रोल किया है, एकदम स्मूथ, और ये फिलिंग बच गई है, इसको मैं ग्रेवी में यूज़ कर लूँगी, इसको फेंकना नहीं है। और इसको अभी हम कॉर्न फ्लोर में करेंगे बेसिकली रोल रोल, क्योंकि कॉर्न फ्लोर हेल्प करेगा बेसिकली इसको बाइंडिंग करने में, फटेंगे नहीं उससे आपके कोफ्ते ना। तो सूखा कॉर्न फ्लोर लेना है, और अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सेलरी टाइप बना के उसके अंदर डिप करके वापस कॉर्नफ्लोर के अंदर ही रोल रोल करके फ्राई कर सकते हैं, तो उसके जो उससे जो आपके कोफ्ते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक क्रिस्पी रहेंगे। बस इतना ही काम करता है, हमें तो अभी मतलब खाना ही था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ये सब नहीं किया। और इसको हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और मतलब फ्राई करने में भी ये थोड़ा सा टाइम ही लेंगे, और जितना अच्छे से फ्राई होंगे उतने कोफ्ते हमारे जो टेस्टी है ना वो लगेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं ऐसे मतलब कॉर्नफ्लोर में सबको रोल रोल कर रही हूँ, और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। लाइट कैसे भी लगा लो, लेकिन जब तक ये वाली वो टिमटिमाने वाली कलरफुल लाइट्स ना लगे ना, तो दिवाली वाली फीलिंग नहीं आती है। हम लोगों ने लाइट्स ऑन कर लिया, अभी सब सामने वाली बिल्डिंग्स में भी लाइट ऑन हो गई ना, तो बहुत सुंदर लगता है। उधर ऑन हो गई है, ये ना दूर से ही दिखाई देती है, वो फ्लिकरिंग ऐसे करके ना। अच्छा ये वाली मैं कह रही, ये वाली ऑन नहीं हुई, ये वाली भी ऑन हो गई, तो बहुत सुंदर लगता है। उधर विंडो में भी लगाई है हमने, तो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ वही लग रहा मुझे, और मेरे जो कोफ्ता है ना वो भी सिक रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं जरा बाहर देख के आती हूँ, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है वाले फेस्टिवल पे ना। जब तक कोफ्ते एक साइड से सिक ना जाए ना अच्छे से, तब तक इसमें कोई भी स्पैचुला मतलब लगाना नहीं है, वरना कोफ्ते ना फट जाएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पनीर होता है ना इसलिए। तो मेरे जो कोफ्ते हैं वो जब अच्छे से सिक गए थे ना, तभी मैंने इसमें मतलब अपना जो स्पैचुला है वो लगाया है। और आप कढ़ाई को जैसे गुलाब जामुन सेकते हैं ना, वैसे आप इनको सेक सकते हैं। तो दूसरा बैच मेरा सिक रहा है, इधर मैंने सोचा कि ग्रेवी की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया कोफ्ते बनाने में ना, और फिर खाने का टाइम भी हो ही गया है। तो बस ऑयल में मैंने लौंग ऐड किया, मतलब खड़े मसाले ऐड किए हैं, तेजपात, लौंग और बड़ा इलायची, ये सब ऐड किया है। इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, और ज़ीरा ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें टोमेटो मैंने मिक्सी में थोड़ा वो कर लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि इसमें ना चॉप्ड वाले नहीं जाएंगे, इसमें ग्रेवी थोड़ा स्मूथ ही रहती है ना, तो इसलिए आपको जो अनियन है वो मिक्सी में ग्रेट करके डालने पड़ेंगे।
और जब टोमेटोज अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इसमें जितने भी मेरे बेसिक मसाले रहेंगे ना वो सब मैं ऐड करूँगी, और उसमें मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी जिससे ना ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी तंदूरी मसाला, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और इसमें मैंने ऐड किया था गरम मसाला। इन तीनों मसालों से ना इस ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो मतलब बदल जाएगा। और जब मेरी प्याज अच्छे से भुन जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टोमेटोज़ का प्योरे जो मैंने बनाया था। टोमेटोज़ का प्योरे में मैंने अदरक और ग्रीन चिली भी ऐड किया था, और अदरक और ग्रीन चिलीज ऐड करके उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया था। तो बस ये मैं ऐड कर दूंगी और इनको बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी, क्योंकि ये ग्रेवी जितना अच्छे से भुनेगी तो उतना ही अच्छा इस सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। और फिर बाद में मैंने आपको जो दिखाया था ना मेरा काजू और मगज वाला जो मैंने सोख किए थे उनका मैं बहुत ही माहीन बहुत ही मतलब स्मूथ पेस्ट तैयार करूँगी जो कि मैं इस ग्रेवी में मिक्स करूँगी। उससे इस ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो मतलब चेंज हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली मैं बहुत थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, हालांकि जो नरगिसी कोफ्ता होता है उसमें शुगर नहीं जाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं बहुत थोड़ी सी ऐड करूँगी। अगर ये मलाई कोफ्ता बनता ना तब मैं इसमें मतलब अच्छे से ऐड करती, क्योंकि मलाई कोफ्ता थोड़ा सा स्वीट साइड होता है बट नरगिसी कोफ्ता स्वीट नहीं होता, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा मतलब ऐड करूंगी और इसको ग्रेवी को बहुत अच्छे से भूनूंगी। इस ग्रेवी के मैंने आपको दो मेन इंग्रेडिएंट तो बताए नहीं, इसमें जब आप भूनेंगे ना तब इसमें आप जो कसूरी मेथी है वो स्टार्टिंग में डाल देना, उससे एसेंस बहुत अच्छी आएगी। इसमें मैंने खोया ऐड किया था, वो मैं आपको बताना भूल गई, और इसमें मैंने ऐड किया था मेरा जो पनीर का बचा हुआ मसाला था ना वो मैंने ऐड किया था, क्योंकि जो नरगिसी कोफ्ता होता है ना उसमें जाता ही जाता है, उससे जो ग्रेवी का टेस्ट है ना वो एनहांस होता है, इनफैक्ट टेक्स्चर भी एनहांस होता है, ये मैंने ऐड किया था। जल गए दिवाली के पहले दिए, तेल वाले दिए ना, और इधर देखिए मेरा कर्टेन कितना सुंदर लग रहा है ना ये। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी ना वीडियो ज़रूर देखना, मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें, कितना प्यारा लगा है देखो। तो इधर ही देखो मेरी जो सब्जी है ना इसकी जो अंतरात्मा है वो देखो कितनी अच्छे से सिक रही है, खुशबू आ रही है, नीचे तक आ रही थी, नीचे तो नहीं आ रही लेकिन नाम हाँ। आ रही है। अच्छा नीचे तक नहीं आ रही, बोली देते एक बार नीचे तक आ रही है, आएगी यहाँ तक तो आ रही है ना, पूरे घर में आ रही है, इतनी मेहनत कर ली घंटों लग के सब्जी बना दी ना खुशबू नहीं आ रही, बोल रहा हूँ खुशबू आ रही है पूरे रूम, इतनी देर वही ना मुर्गा जाम से चला गया और खाने वाले को मुझे नहीं आया, मुर्गा जाम से चला गया वही तो बोलते हैं मुर्गा जाम से चला गया खाने वाले को मुझे नहीं आया। तो मैंने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है काजू और मगज का ना, तो बस मैं ये भी ऐड कर दूंगी क्योंकि ग्रेवी ने ना बहुत ज्यादा ऑयल छोड़ दिया था, अभी ग्रेवी इसके साथ भी पकेगी ना, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और फिर बाद में होते कोफ्ते ऐड करेंगे। तो बस अभी सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और मेरी भी सब्ज़ी एकदम तैयार है, कोफ्ते तैयार हैं, ग्रेवी तैयार है। तो मलाई कोफ्ता जब भी आप सर्व करें पहले कोफ्ते ऐड करें उसके बाद ग्रेवी डालें, कभी भी कोफ्ते को ग्रेवी के अंदर डाल के मत रखिएगा, वरना जब भी आप सर्व करेंगे ना तो कोफ्ते बिखर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ना। और इस पर मैंने थोड़ा सा जो क्रीम है ना वो ऐड कर दी और रियली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मस्ट ट्राई है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आई एम श्योर आपको और आपके परिवार को ना ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। इसको मैंने सर्व किया था मिस्सी रोटी के साथ, आटा आपने देख लिया होगा मुझे लगाते हुए, अपना आटा लिया था, बेसन लिया था, अजवाइन लिया था और उसको अच्छे से नीड किया था, और बस मैं अभी करारी करारी रोटी सबको खिलाऊंगी क्योंकि सब लोग अभी वेट ही कर रहे हैं, तो बस उसके बाद जाऊंगी मैं पटाखे लेने के लिए, अनमित के पटाखे लेके आने हैं ना।
फाइनली सौरभ को अच्छा अच्छा खाना खिलाने के बाद अभी हम निकले हैं। कैसा बना था? बहुत जबरदस्त बना, ऐसा लगा कि किसी फाइव स्टार रेस्टोरेंट से। इधर देखो, इधर देख के बोलो जरा। ऐसा लगा कि किसी फाइव स्टार रेस्टोरेंट से माइक को ऑर्डर किया, बट वो माइक फाइव स्टार तो खैर वैसे बेकार रहता है, लेकिन ये तो उससे भी पड़ता है। तुमने क्या बोला, फाइव स्टार का बेकार रहता है, ये उससे भी ऊपर था, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, रियली बहुत अच्छा था। किस तरफ चले भाई? पिंपल सौदागरी, चलो वही ऑप्शन है, अब तो और कहाँ जाएंगे बताओ। भाकड़ जा सकते हैं, भाकड़ है, कालेवाड़ी है, पिंपरी है। 9 बज गए हैं तो क्या, 9 बजते नहीं है तो क्या, 9 ही तो बजे हैं। तो अनार, अनार यस, दिवाली। तो पिंपरी सौदागर चल रहे हो फिर? ठीक है, चलो जी थोड़ा पटाखे वटाखे की शॉपिंग करते हैं और फिर मैं करूंगी इस वाले व्लॉग का एंड। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही, क्या क्या आप लोगों ने प्रिपरेशंस की। कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कर देते हैं अपनी, तो अच्छा लगता है। करवा चौथ की भी काफी लोगों ने शेयर की थी तो अच्छा लगा था पिक्चर देखे, क्योंकि एक्चुअली ऐसा हो जाता ना कि इमेजिनेशन बढ़ जाती है कि हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं। आप लोग मुझे तो देखते ही हैं, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों को देखूं, तो मतलब एक कनेक्टिविटी सी फील होती है ऐसा, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो वर्चुअल है, लेकिन दिमाग में ना एक इमेजिनेशन रहती है कि अच्छा ये बैठा ही बैठा दे आर वॉचिंग, तो वो वाली चीज रहती है। अभी तो जिन लोगों को मैं देखती हूँ ना, जैसे इधर मम्मी हो गई, मतलब मेरी सासू माँ हो गई, उधर मेरी मम्मी हो गई, दीदी हो गई, तो कुछ फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं, तो बस अभी तो उनका ही इमेजिनेशन रहता है। रिलेटिव्स बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो बेहट के बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जिनका भी याद आ जाता है तो वही इमेजिनेशन दिमाग में रहती है कि हाँ ये लोग मतलब हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वही मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं अपनी बातें ना सुना रही हूँ, तो ये है। तो चलिए अभी हम लोग लेके आते हैं पटाखे।